देहरादून में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य राजकीय और स्वैच्छिक बाल देखरेख संस्थानों के पुनर्वासित जीवन जी रहे बच्चों की उपलब्धियों से भरे कार्यक्रम मेरी पहचान में शामिल हुई। उन्होंने बच्चों के हौसले व जीवटता से भरी सफलताओं पर उनके साथ संवाद किया और भविष्य के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को राजकीय सेवाओं में 5% क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है। उन्होंने बताया कि इस आरक्षण का लाभ पाकर 24 बच्चे सरकारी नौकरी पा चुके हैं और अन्य कई इसी दिशा में प्रयासरत हैं। उन्होंने सरकारी सेवा में चयनित होने वाले बच्चों को अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बताया। मंत्री रेखा आर्य ने इन सभी बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि सरकार ऐसे हर बच्चे के सहयोग के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित है। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। आज महिला कल्याण विभाग के माध्यम से आज मेरी पहचान कार्यक्रम आयोजित किया गया। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में ऐसे बच्चे जिन्होंने जो कि चाहे वो कोविड के समय अनाथ हो गए हों, ये ऐसे बच्चे जो कि हमारे राजकीय संस्थाओं में ना रहते हों लेकिन सामान्य जीवन में अपने माता पिता को खो चुके हों, वो किसी भी प्रकार से ऐसे बच्चे जो कि जिनके अभिभावक उनके सिर माथे पे ना हों, तो ऐसे बच्चों ने अपने जीवन में जिन संघर्षों को सामना करते हुए जिन्होंने उपलब्धियाँ हासिल करी, जिसमें सरकार का या महिला कल्याण विभाग का एक विशेष जिम्मेदारी कि उनको 5% का आरक्षण देना या उनके लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था देना या उनके लिए मुफ्त शिक्षा का व्यवस्था देना या उच्च शिक्षा का व्यवस्था देना इत्यादि इत्यादि प्रावधानों के तहत उन बच्चों को जो मदद मिले और उस मदद से जो उन्होंने आज जीवन में अपनी पहचान बनाई है, आज उसका उत्सव मनाने का कार्यक्रम था। आज उन सभी बच्चों ने अपने अपने जीवन के उद्गार मंच के माध्यम से सबको बताए हैं। निश्चित रूप से ये अपने आप में ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा और मैं समझती हूँ कि हमारे शेष बच्चे जिनके अभिभावक उनके साथ नहीं है, वो भगवान को प्रिय हो चुके हैं या जिनके अभिभावकों में से एक व्यक्ति है, तो उन्होंने इन बच्चों को देखते हुए उचित मार्गदर्शन भी प्राप्त किया होगा और उनके लिए आदर्श भी बने होंगे और मैं समझती हूँ कि वो इन बच्चों से प्रेरणा भी ली होगी। मैं मानती हूँ कि यह कार्यक्रम अपने आप में बहुत सफलतम कार्यक्रम रहा है और भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम हर साल जो है वे होते रहेंगे, ये मैं बच्चों से वादा करके आ रही हूँ।